हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर चुकी हूं, जिसे आप सब प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जैसा कि अब आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, एकदम नज़दीक आपका पेपर आ गया है BPSC का, एंड उसके बाद आपका EMRS का भी लगा हुआ है। एंड दोस्तों, अदरवाइज आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैं सभी टॉपिक का MCQ प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, कम से कम 60-70 वीडियोज हैं, और उसके बाद मैं ये 14 प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जिसमें से 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये 10वां है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो जो कोपा कप है, एक फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक के आदर्श वाक यानी कि जो मोटो है फोर्टियस का क्या अर्थ है? तो जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक आदर्श वाक जिसकी रचना किए थे हेनरी डिडॉन ने, सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसे फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली, तो यहाँ पे फोर्टियस का अर्थ होगा अधिक बलवान। दोस्तों, और इस समय चौथा एक और मोटो जुड़ गया है, जिसे कहते हैं कम्युनिटर, जिसका अर्थ है टूगेदर यानी एक साथ, इसको भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। भारत के जसपाल राणा ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर 8वें 6 खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्था अंतर्गत यानी इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं होती हैं संस्था के अंदर, जबकि एक्स्ट्रामूरल जो है एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्न में से किस एक तकनीकी को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक में हिट नहीं किया जा सकता, और पुश किया जा सकता है, फ्लिक किया जा सकता है, स्कूप किया जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को क्या कहते हैं? तो उसे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि उचित प्रबंधन के माध्यम से ही किसी एक लक्ष्य पर सामंजस्य बनाकर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश से लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों की कार्यक्षमताओं के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने में के प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? तो सबसे पहले RICES पद्धति, ठीक है, RICES पद्धति जो प्राथमिक उपचार की फर्स्ट एड की पद्धति है, तो RICE पद्धति जिसे आप PRI प्रोटेक्शन मतलब हलचल को पहले बंद करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद आइस का प्रयोग। तो यहाँ पे हड्डी टूटने की बात है, तो नॉर्मली चोट में ये सब प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या है, हड्डी टूटने के तुरंत बाद हम उसके चोट वाले भाग की हलचल को बंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है? तो लोग समझते हैं कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यही लोगों की क्या है, गलत धारणा है, जबकि शारीरिक शिक्षा वास्तव में क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, जो कि शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक विकास से संबंधित होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक दक्षता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक बनावट, शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सभी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है? तो जिम्नास्टिक कला जो है सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से ही उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषय पाठ के अंत में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कार्यस्थली को इसमें से किस स्थिति में छोड़े, तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ लास्ट करना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई भी मापन यानी मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब वह कार्यान्वित किया जाता है उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित
कर्मचारी के द्वारा, तभी वो प्रभावी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेट शॉट किस खेल से संबंध रखता है? सेट शॉट बास्केटबॉल से संबंध होता है। सेट फिर शॉट करते हैं, बास्केट में डालते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास प्रयोग करते हैं? तो ये अंतर्व्यक्तिक प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्न में से किस जोड़ को थोड़ा चल संधि कहा जाता है? तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं, चल, अचल, अर्धचल। चल संधि को, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कई वीडियो में, डी कौन सा ट्रिक बताया था मैंने ट्रिक बताया था आपको डी ए एस, यानी कि डी से डायर्थ्रोसिस, ठीक है, डी से डायर्थ्रोसिस यानी कि चल संधि, और ए से एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल संधि, एस से साइनोथ्रोसिस अचल संधि। तो यहाँ पे थोड़ा चल संधि यानी कि अर्धचल संधि की बात कर रहा है, तो एम्फियार्थ्रोसिस जोड़ होगा, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेकाथलान एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा है। तो दोस्तों डेकाथलान जो है पुरुषों की कंबाइंड इवेंट है, जिसमें कुल 10 इवेंट होते हैं। पहले दिन 5 इवेंट, दूसरे दिन 5 इवेंट, दो दिन में संपन्न होता है, जिसमें कुल 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। यह वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रक्त की सीरम यानी बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है, ये सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरीबेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की, विटामिन बी वन की कमी से, यानी कि थायमिन की कमी से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर बी है, 20 है, बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी यानी कि बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, यह क्षय रोग यानी कि टीवी यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? यानी इंसुलिन, यह मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, जो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए ए को दे सकता है, और सर्वदाता कौन है? ओ। यहाँ पे 22 का क्या होगा, किस ग्रुप को रक्त दिया जा सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है। तो यहाँ पे ए और ओ को दे सकता है, क्योंकि सर्वदाता कौन है, ओ है, तो सर्वदाता है और ए ए को दे सकता है, ठीक है। ओ को सर्वदाता बोला जाता है, ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा, एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द जो है ब्रिज से रिलेटेड है। इस ब्रिज का आरंभ जो है 1870 में सीरिया में हुआ था। इस खेल का सर्वोच्च संख्या वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन है, जो निरंतर इसके निकास विकास के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्यूपंचर क्या है? तो दोस्तों चीन की एक चिकित्सा पद्धति है। एक्यूपंचर क्या है? चीन की एक चिकित्सा पद्धति है। यह एक प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति अनेक प्रकार के रोग जैसे गठिया दर्द को दूर करने आदि के उपचार में सहायक होता है। अब इस पद्धति का महत्व अन्य देशों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो मीटर में 90 से 120 मीटर होता है, और गज में 100 से 130 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होती है? तो वाटर पोलो की
खेल में जो ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई होती है 30x20 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्ट्रोक आयतन में वृद्धि हो जाती है, हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी हो जाती है। तो उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ता है व्यायाम का रक्त प्रवाह संचार पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने के सहायक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन सम्मिलित होते हैं, जिसका लिस्ट आपको विटामिन वाले पार्ट में मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? तो दोस्तों, वह जो है शारीरिक भिन्नता जो है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी से निर्धारित होता है, कि उसका रचना, कलर, गति, स्वभाव, ऊंचाई, दैहिक क्रियाशीलता, ये सभी अनुवांशिकता से निर्धारित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग करेंगे? तो यहाँ क्या पूछा है, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए, हृदय संबंधी दक्षता याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप तो जानिए कि वरिष्ठ नागरिकों की जो क्षमता होती है उसमें कौन कौन से होते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों की पुष्टि क्षमता परीक्षण में यानी सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत चेयर स्टैंड परीक्षण आता है, आर्म कर्ल टेस्ट आता है, एंड चेयर सीट एंड रिच टेस्ट आता है, बैक स्ट्रेच टेस्ट आता है, 8 फुट अप एंड गो परीक्षण आता है, 6 मिनट चाल परीक्षण आता है। जिसमें से इसमें क्या पूछा है, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी क्षमता को कौन मापता है? तो यहाँ पे हृदय संबंधी क्षमता को मापता है 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण। एंड 8 फुट एंड गो टेस्ट क्या मापता है, यह फुर्ती यानी एजिलिटी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होता है जब चिंता का स्तर कितना होता है, मध्यम होता है, न ज्यादा न कम। क्वेश्चन नंबर 33 है, शारीरिक बनावट सूचक है। तो जो शारीरिक बनावट है वह व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, किस कारण होती है, हड्डियों और दांतों की मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, आसन किस प्रकार के रोग के अंतर्गत, रोग नहीं है यहाँ पे, योग होगा, ठीक है, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? तो यह हठ योग के अंतर्गत आसन आते हैं, यानी कि शरीर को स्थायित्व तथा मन को में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को ही आसन कहते हैं। आसन का अभ्यास शरीर को मजबूती तथा शरीर एवं मन को शक्ति देता है। आसन समानता आसन हठ योग के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में उनके आयोजित होने वाले क्रम के से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बर्लिन में ओलंपिक कब हुआ था, 1936 में, कब हुआ था, 1936 में। टोक्यो में कब हुआ था, तो 1964 में। मास्को में कब हुआ था, 1980 में। एंड रोम में 1960 में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1936 सबसे कम वाला, तो 1936 में सबसे पहले आएगा बर्लिन, उसके बाद रोम ओलंपिक डी आएगा 1960 में, फिर टोक्यो ओलंपिक 1964 में, उसके बाद मास्को ओलंपिक 1980 में। आंसर नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 18x9 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं, तो इसमें से हम सहमत हैं, ठीक है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, कि द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं। द्वितीयक वायु यानी कि सेकेंड विंड, यदि हम कोई भी एक्सरसाइज या क्रिया या दौड़ते हैं
तो एक समय ऐसा आता है कि आप पूरी तरह थक जाते हैं और आपको एकदम ऐसा बेचैनी सा महसूस होता है कि अब एक क्षण मात्र भी आप काम नहीं कर पाएंगे, यानी आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम लो हो जाता है। तो उस एक क्षण को हम सेकेंड विंड कहते हैं। अब कुछ समय के लिए आप आराम करते हैं, उसके बाद पुनः हम पहले वाले स्थिति में आ जाते हैं, यानी रिकवर हो जाते हैं। तो वो एक क्षण का जो समय होता है उसी को कहते हैं सेकेंड विंड, यानी द्वितीय वायु। उस कंडीशन में सिर में दर्द होने लगता है, त्वचा पीली होने लगती है, छाती और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, उपरोक्त सभी लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यायाम के दौरान निम्न में से कौन सी हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है? तो व्यायाम के दौरान स्ट्रोक क्षमता मात्रा बढ़ जाती है, हृदय गति मात्रा बढ़ जाता है, वेंटिलेशन दर भी बढ़ जाता है, और एरोबिक शक्ति भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हृदय श्वसन क्षमता में एरोबिक शक्ति भी होता है, लेकिन किसी भी बुक में इसमें यही आंसर दिया है। तो यहाँ पे ए बी सी होगा, जब तीन ऑप्शन ही दिया है तो किसी तीन को ही आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे चारों आपको सही लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर में, एंड फिर से वही क्वेश्चन है, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर में। ठीक है, ए प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ठीक है, ए आरबीसी तिल्ली को प्रभावित करता है, जबकि डेंगू जो है वो प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बॉक्सिंग में एक राउंड की कितनी अवधि होती है? तो दोस्तों एक राउंड की तीन मिनट की अवधि होती है, इसमें तीन तीन मिनट की तीन अवधि होते हैं, बॉक्सिंग में तीन तीन मिनट की तीन अवधि होते हैं, एंड तीन तीन मिनट के तीन राउंड होते हैं बॉक्सिंग में, याद रखिएगा, एंड तीन तीन मिनट दो राउंड होते हैं आपके कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और प्रथम अधिवेशन जो है 10 जनवरी 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। यह बीमारी वायरस से फैलती है, चेचक। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां शरीर के 45% भाग होती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो पहला भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में आयोजित किया गया, जिसमें फिल्मी दुनिया के सारे जाने माने कलाकार उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब किया गया था? यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी NSNIS की स्थापना कब किया गया था? 7 मई 1961 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय मंडलीय खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडलीय खेल जो है 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1930 हेमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1930 हेमिल्टन कनाडा में। एंड दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहां में संपन्न हुआ था? तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, और
23वां आपका आयोजित होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं, तो वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, ये सभी मनोरंजन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है, तो वह है NCTA यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल, NCTA नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल, जिसका स्थापना जो है 17 अगस्त 1995 को किया गया था, जो शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण का संचालन करती है। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ किसमें पाया जाता है, ग्लाइडिंग जोड़ वह होता है जो एक हड्डी दूसरे हड्डी पर सरकता है, जैसे हमारे कलाई और टखने का जोड़ जो होता है, यानी टार्सस और कार्पस ज्वाइंट, यहाँ पे कलाई राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो शारीरिक स्वास्थ्य जो फिजिकल फिटनेस है वह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना किसमें शामिल होता है, तो एक शिविर में शामिल होता है, यानी कि चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना, सीखना शिविर में होता है, खेलों को खेलना, वस्तुओं को बनाने का अभ्यास करना, ज्ञान प्राप्त करना, नेतृत्व क्षमता को विकसित करना, ये सभी शिविर के माध्यम से संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है, तो खेल प्रेरणा जो होता है वह संस्कृति की पूर्वी स्थिति होती है, यानी जन्म से ही विद्यमान होती है खेल प्रेरणा लोगों में। क्वेश्चन नंबर 58 है, चूकर और मलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो चूकर और मलेट शब्द यह पोलो खेल में होता है। चूकर इस खेल की अवधि को खंडों को प्रदर्शित करता है और मलेट जो है पोलो के स्टिक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सर दोराबजी टाटा के द्वारा आरंभ किया गया था। IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था इन्हीं के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों से होता है, विटामिन से नहीं होता, ए रोगों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया, तो स्क्वैश खेल सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1907 में खेला गया। एंड क्वेश्चन नंबर 62 है, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाया था, तो 1986 का जो सियोल एशियाई गेम था उसमें पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी की उपाधि या उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो दोस्तों यह वायरस के द्वारा होता है और इससे पानी से डर लगता है, ये भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये आँखों से संबंधित है, इसमें यह वायरस द्वारा फैलता है, यह आँख के कार्निया का सांसर्गिक रोग होता है, इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, कार्निया में वृद्धि हो जाती है, आँख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी यानी बर्फ पर हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो उन्होंने गोल नामक आत्मकथा लिखा है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाने का प्रारंभ 1955 से शुरू हुआ।
क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्वेथलिंग कप जो है वह विश्व टेबल टेनिस पुरुष से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 4 गज यानी कि 3.66 मीटर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 43 जोड़े, जोड़े में पूछेगा तो 43 और संख्या में पूछेगा तो 46। एंड क्वेश्चन नंबर 71 है, सिद्धांत और व्यवहार में वच यानी चेस्ट का सही माप कब लेना चाहिए? तो सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो दोस्तों नियमित व्यायाम करने से जो HDL की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ता है और LDL की मात्रा कम होता है। HDL हमारे लिए लाभदायक होता है, HDL हमारे लिए अच्छा नहीं होता। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, शून्य परिकल्पना को जाना जाता है? शून्य परिकल्पना मतलब होता है अंतर रहित परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 74 है, यह लिगामेंट्स की चोट है, तो लिगामेंट्स के अधिक खिंचाव से स्प्रेन यानी कि मोच हो जाता है। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ों पर जुड़ता है। एंड मांसपेशी और टेंडन से खिंचाव यानी कि स्ट्रेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जीवन और खेलों की सक्षमता का क्या आधार समझा जाता है? जीवन और खेलों की सक्षमता का क्या आधार समझा जाता है? तो इसमें आपका न्यूरो नियंत्रण और शारीरिक नियंत्रण और न्यूरो मस्कुलर सामंजस्य को जीवन और खेलों की सक्षमता का आधार समझा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे उद्देश्य मिलकर लक्ष्य की तरफ जाते हैं जिससे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जांच के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है? यहाँ पे जांच नहीं है, जांग होना चाहिए, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? दोस्तों वजन के साथ अधि बैठक लगाना जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। तैराकी की 4 मुख्य शैलियां होती हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई एंड फ्री स्टाइल। इसमें से फ्री स्टाइल सबसे तेज तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग हेतु जिम्मेदार होता है? तो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो रक्त में पाए जाते हैं। RBC का वैज्ञानिक नाम एथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग कौन है? तो इस ऑप्शन में से लीवर होगा। ग्लाइकोजन का भंडारण हमारे लीवर और मांसपेशियों में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रोटीन अंतिम रूप से किससे टूटता है? दोस्तों तो आप सबको पता है अमीनो अम्ल में अंतिम रूप से टूटता है। एंड क्वेश्चन नंबर 83 है, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड यानी कि जो आर्द्रज्वर होता है, मियादी बुखार भी इसे कहते हैं, इस साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण होता है? तो व्यक्तिगत भेद जो है वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव से होता है। वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव से व्यक्तिगत भेद होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में मसेटर मसल्स जो होता है सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाया जा घटाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह उसे हम कहते हैं प्रेरणा। क्या कहते हैं उसे? प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्लेग नामक बीमारी होती है? तो दोस्तों प्लेग जो है यह चूहे के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? चूहे के काटने से प्लेग होता है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के
फैलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की आयरन की कमी होगी तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और यानी कि जिसमें लोहा पाया जाता है लोहे के द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और जिससे लोहे की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है वह होता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में किन खेलों का उद्भव हुआ है? तो दोस्तों स्नूकर और बैडमिंटन का जो उद्भव है भारत में हुआ है, चेस का हुआ है एंड खो खो का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आफर परीक्षण युवा में क्या मापने से संबंधित है? तो आफर युवा फिटनेस टेस्ट से मोटर स्किल, मोटर फिटनेस को मापा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 92 है, विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात यानी पैरालिसिस का खतरा रहता है, तो वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। एंड क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीनाथ। मैसूर एक्सप्रेस नाम से विख्यात भारत के तेज गेंदबाज श्रीनाथ है। उन्होंने श्रीनाथ ने नवंबर 2003 को सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की, और 1992 से लेकर अब तक के सभी 4 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों में भाग लेने का श्रेय श्रीनाथ को प्राप्त है। श्रीनाथ भारतीय क्रिकेटर के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पामेल हार्स किस खेल से संबंधित है? यह जिम्नास्टिक इवेंट से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन है? तो गजेट डेलो स्पोर्ट्स जो है विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है। यह ला रोसिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुलाबी वाला। यह समाचार पत्र गुलाबी कागज पर छपता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य तीन प्रकार का होता है। यदि पहले से सीखी गई क्रिया नए कार्य में सहायता करे तो सकारात्मक स्थानांतरण, नए कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक स्थानांतरण यानी ऋणात्मक स्थानांतरण, और न नए काम में सहायता करे और न बाधा ही उत्पन्न करे तो उसे हम शून्यात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो वह है आपका निमोनिया, जो है बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और रोगी को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों में सूजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो के खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, 270×180 मीटर इसका मैदान होता है, और प्रत्येक टीम में 4 घुड़सवार खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है? तो दरअसल ये जन्म से 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है, आप सबको पता है बैरन पियर डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेल को 1896 में 6 अप्रैल 1896 को एथेंस के ओलंपिया स्थान पर पैराथेनिक स्टेडियम में शुरू किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड कौन सा है? तो पीला कार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 102 है, आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी में आधारित है, तो आदर्शवाद विचारों पर आधारित है, इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 103 है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने संख्या में खनिज यानी मिनरल्स की आवश्यकता होती है? तो कुल 21 खनिजों की आवश्यकता होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 104 है,
मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मूल खाद्य पदार्थ कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। तो ए सी ई आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन और मिनरल्स जो है ये शरीर को रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, शरीर के किस भाग में बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो वह निम्न भाग यानी लोअर लिम में सबसे बृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें स्थित है? तो यह हिप में स्थित होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, सबसे छोटी मांसपेशी कान के स्टेपीडियस, सबसे मजबूत मांसपेशी निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। 108 है, किस ओलंपिक खेल में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिया गया था? तो 1904 सेंट लुई ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 109 है, ग्वाइटर यानी कि जो घेंघा रोग होता है उसी को ग्वाइटर कहते हैं नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना परसेंट होता है? तो 99% होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होता है? तो यह कान में होता है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और जांग जो है शरीर की सबसे बड़ी और भारी अस्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था, तो 1877 में। क्वेश्चन नंबर 113 है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो 24%। कितना परसेंट यकृत को प्राप्त होता है? तो 24% यकृत को प्राप्त होता है। 10% आपका स्वयं हृदय को ही प्राप्त हो जाता है और 15% मस्तिष्क को प्राप्त होता है और 20% आपको किडनी को प्राप्त होता है और 30% अन्य अंगों को प्राप्त होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? तो 17% होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 115 है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? एनसीसी या नेशनल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना 1948 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 116 है, विटामिन यहाँ पे मिलान करना है, तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधि, तो ए का 4 हो गया। विटामिन बी से एनीमिया होता है, बी का 1 हो गया। विटामिन सी से स्कर्वी, सी का 2 हो गया। विटामिन डी से रिकेट्स, डी का 3 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो 78% है। ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 119 है, डीपीटी का टीका बच्चों के किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किन में से किसका संबंध एस्थेनिक बॉडी टाइप से है? तो दोस्तों क्रेसमन ने 3-4 बॉडी टाइप बांटा है, पिकनिक यानी गोल का शरीर, एथलेटिक यानी मजबूत शरीर सुडोल का है, और एस्थेनिक यानी लंबा दुबला पतला शरीर लंबकाय। तो यहाँ पे पतला छिछले वाला छाती वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? तो व्यवहारिक कौशल सीखना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, ये सभी चीजें उद्देश्य होता है कैंप लगाने का। एंड क्वेश्चन नंबर 122 है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है?
तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हृदय और रक्त धमनियों से संबंधित है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस, अंतरशोथ, हृदयावरण, हृदय स्थूल आदि रोग इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123 है, शिविर की अवधि होती है, तो शिविर एक दिवसीय, साप्ताहिक, मासिक शिविर, ये सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, युगल स्पर्धा के लिए किसी बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होता है, तो युगल के लिए, डबल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का जो आकार होता है 44x20 फीट होता है, जबकि सिंगल के लिए 44x17 फीट का होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक रेखा की दूरी बास्केटबॉल से कितनी दूरी पर होता है, तो इसमें कोई भी राइट नहीं है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा, क्योंकि पहले 6.25 मीटर होता था, अब 6.75 मीटर हो गया है, 22 फीट 1.75 इंच, जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी खिलाड़ी 30 सेकेंड से अधिक नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए जय।